तो डायबिटीज केयर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे लौकी के जूस के बारे में। इंग्लिश में इसे बॉटल गार्ड जूस बोलते हैं। आज लौकी का जूस पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुका है क्योंकि लौकी के जूस से हाई बीपी नॉर्मल होती है और हार्ट के ब्लॉकेज भी रिमूव होता है। लौकी का जूस और भी बहुत सारी बीमारी में काफी उपयोगी माना जाता है। अगर लौकी की बात करें तो आसानी से हर मौसम में मिल जाता है और काफी सस्ती भी मिल जाती। लौकी के जूस में लगभग प्रत्येक प्रकार की विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ में मिनरल्स, मैग्नीज, मैग्नीशियम एवं आयरन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लौकी के जूस में लगभग सभी प्रकार के विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ और भी बहुत कुछ पाए जाते हैं। अगर फैट की बात करें तो लौकी के जूस में फैट बिल्कुल नहीं होती है। तो आइए हम बात करते हैं लौकी के जूस का 10 चमत्कारी गुणों के बारे में। नंबर एक, हाई बीपी को कंट्रोल करता है। लौकी का जूस हाई बीपी कंट्रोल करने में काफ़ी कारगर होता है क्योंकि लौकी का जूस ब्लड वेसल के इनर लाइन से कोलेस्ट्रॉल एवं ट्राइग्लिसराइड आसानी से सफाई करने में मदद करता है। अगर हाई बीपी का पेशेंट लगातार 90 डेज लौकी के जूस का इस्तेमाल करे तो उसका हाई बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नंबर टू, हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करता है। लौकी का जूस नियमित इस्तेमाल करने से हार्ट के नली का ब्लॉकेज भी साफ होने लगता है। अगर हार्ट का पेशेंट इसे नियमित सेवन करे तो अपने ब्लॉकेज को धीरे धीरे आसानी से रिमूव कर सकता है। नंबर तीन, मोटापा कम करता है। लौकी के जूस नियमित सेवन करने से बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकलता है, फैट रिमूव होता है, इसलिए फैटी बॉडी वाले को 100 ग्राम से 200 ग्राम लौकी का जूस जरूर सेवन करना चाहिए। नंबर चार, यूरिन इन्फेक्शन को खत्म करता है। लौकी का जूस एल्कलाइन नेचर का होता है तो ये आपके यूरिन इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो लौकी का जूस जरूर नियमित इस्तेमाल करें, इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगा। नंबर पाँच, एसिडिटी को ख़त्म करता है। अगर आपको एसिडिटी हो गया हो और आप एसिडिटी से परेशान हैं तो लौकी के जूस का सेवन करना शुरू कर दें, आप बिल्कुल एसिडिटी से छुटकारा पा लेंगे। नंबर छः, फैटी लीवर को सही करता है। अगर किसी व्यक्ति का फैटी लीवर हो तो आप लौकी के जूस का सेवन करें, इस्तेमाल करें, सिर्फ एक महीने के अंदर आपकी फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगी। नंबर सात, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। लौकी का जूस यूज करने से डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है क्योंकि लौकी के जूस के सेवन से ब्लड की सफाई होती है और शर्करा की मात्रा कम होता है जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। नंबर आठ, त्वचा रोग सही होता है। लौकी के जूस के सेवन करने से ब्लड रिफाइन होता है, ब्लड में गंदगी बाहर निकलती है और आपकी त्वचा स्क्रीन का प्रॉब्लम खत्म होता है और तो और चेहरे पे और बालों में शाइनिंग आती है। नंबर नौ, होमोग्लोबिन को बढ़ाता है। लौकी के सेवन करने से ब्लड में होमोग्लोबिन की वृद्धि होती है और धीरे धीरे होमोग्लोबिन की मात्रा आपके ब्लड में अच्छी हो जाती है। नंबर दस, लू से बचाता है। गर्मी के मौसम में अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो लौकी के जूस के सेवन कराने से वो जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये सारी बात लौकी के जूस के गुणों के बारे में बताया। अब हम आपके लौकी जूस के नुकसान के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली लौकी के जूस का कोई नुकसान है ही नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, बस इसका टेस्ट सही नहीं होता है। अगर आप इसमें आंवला, नींबू या पुदीना को मिला कर लें तो टेस्ट भी सही हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको लौकी के जूस के फायदे के बारे में बताया। अगर ये जानकारी सही लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और दूसरे तक पहुंचाइए, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।